इमाम की तरफ लेके आ रहा है
दोनों सही है, लेकिन अगर अपनी तरफ लेके आ रहा है तो फिर समझ ले कि ये बोलने वाला मकसद इमाम हुसैन पे नहीं है। इमाम का मकसद क्या है, इमाम कैसा माशरा चाहते थे, इमाम कोई एक दो बातों के लिए करबला नहीं आए थे, तो छोटी बात नहीं थी कि इमाम इतना अपना पूरा कुमार लेके करबला पहुंचे और वो मुश्किल और वो मुसीबतें जमीन और आसमान उस पर गिरिया करे। तो क्या सिर्फ इसलिए थी कि कोई छोटी सी बात होगी, कोई नॉर्मल बात होगी, नहीं, बहुत बड़ा मारका कि जो करबला में कायम हुआ वो अम्बिया की मेहनत थी जिसे इमाम हुसैन करबला लेकर आए थे, अम्बिया की मेहनत थी। क्यों? क्योंकि दूसरी तरफ जो इमाम के मुकाबले में आया वो कोई शख्स नहीं था, वो निजाम था पूरा, कि जो पूरा अम्बिया के मुकाबले में पहले दिन से आ रहा था, पहले दिन से आ रहा था, यानी कौन सा निजाम था, यानी हाबील काबील के पास भी आया, यानी हजरत नूह के मुकाबले में आया, यानी हजरत इब्राहिम के मुकाबले में आया, हजरत ईसा के मुकाबले में आया, हजरत यूसुफ के मुकाबले में आया, हजरत ईसा के मुकाबले में आया, हर नबी, हजरत सुलेमान हो, हजरत दाऊद हो, हर नबी के मुकाबले में ये निजाम आया और ये निजाम भी अपने आप को ताकतवर करता रहा, करता रहा। कहीं फिरौन है, कहीं नमरूद है, कहीं शद्दाद है, अपनी पूरी ताकत को लेकर जब ये मक्का आया, और मक्का के अंदर क्या था, हर नबी के तौर पे क्या मुश्किल थी, अल्लाह के नबी क्या कहते थे आपको, एक इलाह की इबादत करो, एक खुदा की इबादत करो, किसी नबी ने कहा कि मेरी इबादत करो, किसी नबी ने कहा कि ये तो कुछ नहीं कहा, कहा सिर्फ एक खुदा की इबादत करो। क्यों? क्योंकि वो कोई बुतों की पूजा करता था, कोई आग की पूजा कर रहा है। हज़रत इब्राहिम का वाकया, हज़रत इब्राहिम निकले, देखा एक गिरोह जो है वो सितारों की पूजा करता है, सितारे भी रात को निकलते दिन में गाय, तो उन्होंने कहा कि ये तो हो ही नहीं सकता, चांद की इबादतें हो रही हैं, वो भी रात को, सूरज की इबादत की, कहा वो रात को गुरु हो जाता है, कहा वो खुदा ही नहीं हो सकता, खुदा तो वो है जो सबको बनाने वाला है, खुदा तो वो है कि जिसके कब्जे में ये सारी कायनात है, उसकी इबादत करो। तो यही वजह थी कि वो बुतों की पूजा करते थे। तो ये कहीं किसी जगह पूरा शहर गया, रात को हजरत इब्राहिम ने सारे बुतों को तोड़ दिया, और जो सबसे बड़ा था उसने वो रख दी, हमारी जबान में आपको बुलाड़ी के लिए जो भी कहते हैं जिससे हुआ था रख दिया। अब ये आए, कहा कि ये किसने किया, हाँ अपने बड़े खुदा से पूछ लो किसने किया, कहा कि ये लकड़ी और पत्थर के सिवा कुछ नहीं है, जाने मगर अंबिया की जो दास्तानें हैं ये एक व्रत के लिए, इसको समझे कि जो खुद अपनी खिलकत के मोहताज हैं वो मखलूक के लिए क्या करेंगे, जो खुद मोहताज है, खुद उनको नहीं पता उन्हें क्या है, कैसे चलना है, तो वो कैसे मखलूक की मदद करेंगे। मगर शैतान रुका नहीं, शैतान चलता आया, चलता आया, यहाँ तक कि मक्का में जो अल्लाह का घर है, कि कुरान में परवरदिगार सूरह बलद में कसम खा रहा है इस शहर की, उस घर की, उस घर के अंदर बुत, पता नहीं कितने बुत, बड़े बड़े उनके नाम भी जैसे कुरान के बयान कर रहा है, उनकी इबादत करते हैं ये सारे। यानी अल्लाह ने इतनी मेहनत कर कर हज़रत इब्राहिम से घर बनवाया और उसके बाद उस घर के अंदर भी आ गए बुत। तो यानी क्या है, यानी एक निज़ाम है, एक सिस्टम है जिसे डिज़ाइन किया गया और आ गया। जब यहाँ आ गया तो ये आखिरी वर्जन था, यहाँ पर आखिरी नबी को परवरदिगार ने भेजा और अपने सिस्टम को रीट्रोड्यूस कराया, दोबारा समझाया और कहा ये आखिरी वर्जन है, ये मजहब का आखिरी सिस्टम है, इसके बाद नया वर्जन कोई नहीं आएगा। सब दे दिया, सब कुछ दे दिया, कितने साल रसूल खुदा की जो एक साल मक्का में गुजरे, कुछ साल जो है वो मदीना में गुजरे, और आखिरी लम्हों में जब रसूल आखिरी और पहला हज कर कर आ रहे थे, कुरान की आयत आई, बल्लिग मा अरसलना इलैका, ऐ नबी जिसे हमने आपको कहा है उसका इब्लाग कर दो, और किसी का डर खौफ नहीं रखो कि मायूस हो जाएंगे शायद। यानी इसका मतलब था कि सिस्टम, समझने की बात है, सिस्टम जो था
दूध तो तोड़ दिए थे, मतलब मक्खन हो चुकी थी, किसने तोड़े थे? किसने दोषे पैगंबर पर चढ़ के वो तोड़े थे? यानी क्या? यानी जब तुम अपने सिस्टम को लाओगे तो यहाँ अल्लाह का सिस्टम भी आएगा। मगर यहाँ रसूल ने देखा था ये जो बुत थे वहां पर टूटे मगर अंदर जुड़े हुए थे, अंदर जुड़े हुए थे। अब अंदर जुड़े होकर क्या करें? इनको कैसे बाहर निकालें? इनको कैसे तोड़े? तो फिर परवरदिगार ने कहा इसका भी इंतजाम है, बंदे तुम्हारा मुझे ला लाए चले जाएंगे तो दोबारा बाहर निकाल लेंगे। इनका प्लान तो यही था, मगर नदीरे खून ने बुलाकर अपने निजाम को, अपने सिस्टम को कि देखो नबूवत तो खत्म हो रही है मगर मैं ऐसा निजाम दूंगा कयामत तक कि जब भी कोई इस निजाम के मुकाबले में खड़ा होगा यही कह देना मन तू तो मौला, मन तू तो मौला, फहाजा अहिल मौला। ये निजाम दिया, ये सिस्टम दिया, जाने बात हम इसको समझे कि बहरहाल हमें बहुत सच्ची बातों में मशगूल करके मसरूफ करके हमारे वक्त को जो है वो ले लिया जाता है। आप सिस्टम को समझे, इस सिस्टम शख्स नहीं है, ये रिश्तेदारियां नहीं है, ये अल्लाह का निजाम है। इस निजाम के लिए परवरदिगार ने बड़ी मेहनत की है, अपने हाथियों को भेजा है। अब जब ये ऐलान हो गया तो खुदा ने अपनी कुरान की आयत नाज़िल कर दी, यौम अकमलतु लकुम दीन, आज दीन कामिल हो गया, अब दीन में कोई चीज इजाफा नहीं हो गया, कामिल हो गया। अब ये जो सिस्टम आया, अब इस सिस्टम की खूबी क्या थी कि ये सिस्टम शख्स नहीं, ये अपनी जात में कायनात, इसलिए आप कहते हैं मौलाए कायनात। ये शख्स नहीं है कोई, कोई एक नहीं है, ये अपनी जात में कायनात है। इसलिए इमाम ने फरमाया तुम मुझसे जमीन के रास्तों से ज्यादा मैं आसमान के रास्तों से ज्यादा ये जो निजाम आया। अब इस निजाम की खासियत क्या है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ले ले, अंदर जो छुपे हुए थे बाहर आ जाएंगे, सिर्फ नाम ले ले, नाम काफी है। क्यों? कहा मोमिन मुनाफिक की पहचान नहीं नाम है। अरे मुनाफिक तो थे, जो मुसलमान हो गए थे, लेकिन मुनाफिक भी थे, सुना मुनाफिक कौन करी है। तो अब वो जो इतनी मेहनत की उसने, अंदर ला के छुपाए थे, एक नाम सबको आया कर रहा है और वहां नहीं किया, तो उन्हें तारीख तक जहां 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 भी ये आएंगे बस नाम ले लेने के आगे चल जाएगा कि ये किस तरफ है। और अगर ये यहाँ बच भी गए, अब तो बचते नहीं है, अगर बच भी गए तो पूरा पक्का निजाम खुदा ने किया। कहा क्या? कहा रोज़े क़यामत में जन्नत जहन्नम को तकसीम भी यही करेगा।
भाव है। इस सिराज दुनिया में होगा और अगर इस सिराज तक पहुंचोगे यानी जगह नहीं है कहीं बचने की, कोई जगह नहीं है यहाँ से कि आप यहाँ पर कुछ कर भी लें तो कयामत वाले दिन सब यही है। सिर्फ ये नहीं है कि जन्नत जानो तो तकसीम करेगा, नहीं, मीजान आमाल भी यही है, यही है। यानी तुम्हारे आमाल को जो तोला जाएगा उसका मीजान भी अली है, यही है। अब अपने आप को लो, दूसरों को थोड़ी बाबा निकलती है, अपने लिए लेगा। मेरा जो अमल है तोला जाएगा, तोला थोड़ी है, मेरा भी तोला जाएगा। तो मेरा है अमल जो ईमान के साथ तोला जाए, मेरी अमल, मेरी इबादत, मेरी जिंदगी कहाँ है ये इमाम मेरी जिंदगी। अल्लाह ने मतलब यहाँ आपके बाबा थोड़ी कर दिया आपने, क्यों? क्योंकि यहाँ जिम्मेदारी आ जाएगी, मैं घर में कैसा हूं? रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु खुदा घर में आए, क्या देखा? अली बैठे हुए घर में दाल साफ कर रहे बोले मौला कायनात का मौला। जैसे रसूल ने देखा मौला काम कर रहे हैं, अपने घर में टीवी के हाथ बटा रहे हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं अली जो शख्स अपने घर में अपनी ज़ौजा की खिदमत करे उसे 100 शहीदों का सवाब है, 100 हज का, 100 उम्रों का सवाब है। ये सीरत मौला कायनात है, यानी काम किया। रात को मौके मुखाली कहता है रात आई, हम रात को देर हो गई, इमाम ने कहा यही सो जाओ। हमने शहर में देखा इमाम दीवार को पकड़ पकड़ कर सूरह आले इमरान की आखिरी आयतों की तिलावत करते हुए, ऐसा लग रहा है कोई आशिक अपने महबूब के लिए कदम उठा रहा है, खुदा की इबादत में जा रहा है। हाँ इशारा करकर तुम सो रहे हो, कायनात रूबां है अपने खालिक की तरफ। यह है मेरी जिंदगी, मैं रात को उठा हूं तन्हाई में, मेरी जिंदगी में ये इबादत के सदमे हैं। अदारण मतलब इमाम मजार से गुजर रहे थे और एक यहूदी खातून के साथ कोई जुल्म हो गया, वो इमाम जिसने कभी कोई जख्म कोई चीज अली को हिला ना पाई, मगर माशरे में होता हुआ जुल्म अली को चीख भुका करवा देगा। आज माशरे में जुल्म और सुलम है, क्या मेरे अंदर से कुछ निकलता है? किस अली को मान रहा हूं? कौन सा अधिकार? जब तक जिंदगी में ये नहीं है तो ये विलायत कहां आएगी? ये विलायत कहां उतरे? इस विलायत के लिए वजूद चाहिए। जंग में मेरे मौला ने ये कहा ना आखिरी वक्त में, जब वो आया और उसने बड़ा अपने हिसाब से जंग के एहजाब में बोला है कोई भेजे, तो इमाम रसूल खुदा ने किसको भेजा? मौला को भेजा। और क्या कहा? कुल का कुल ईमान, कुल के कुल कुफर के मुकाबले में जा रहा है। यानी क्या? यानी जहां भी कुरान कह रहा है या अय्युह लज़ीन आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, यानी कौन है ईमान वाला? मोमिन। यानी मोमिन वो जो ईमान रखता है। ईमान क्या है? ईमान क्या है? कुल का कुल ईमान,
अब ये ईमान अंदर कहाँ है? ईमान की डेफिनेशन क्या है? लव्स बाज अल्फाज इतने ऐसे हैं कि जो इतना सुनते हैं लेकिन अगर बोलोगे इसको डिफाइन करो तो उसे डिफाइन नहीं होगा। ईमान क्या है? यानी कल इस काबिल हो कि ये नूर उतरे। मोमिन ये मोमिन कौन है? आए कुरान में मोमिन की सिफात देखे, सूरह मोमिनून देखे। ये वो है कि जब अपनी नमाजों में खड़े होते हैं तो खाशे होते हैं, खासे होते हैं, यानी कांप रहे होते हैं, गिरिया करते हैं, रोते हैं सजदों में। मैं अपनी जिंदगी में कभी किसी सजदे में रो जाता हूं। मुझे कहा अल्लाह का तक्वा क्या करो सूरह तौबा की तरह हायत करती है या अय्युहल लजीन आमनु ऐ ईमान वालों अल्लाह का तक्वा अख्तियार करो। अल्लाह का तक्वा क्या है? यानी मुत्तकी हो जाओ, यानी परहेजगार हो जाओ। मुत्तकी की सिफात क्या होनी चाहिए? कौन बताएगा? नहजुल बलागा, खुतबा हम्माम। मुत्तकी की सिफात, हम इतने मौला को मानते हैं, हम में से कितनों ने खुतबा हम्माम पढ़ा है? तुम्हारी जिंदगी में इतना वक्त नहीं था कि मेरे सुनहरी हुरूफों को जिसे तारीख कलम बंद करता रहा वो सैयद मुर्तजा ने नहजुल बलागा को बयान तारीफ किया। कौन है ये दोनों भाई? ये दो भाई हैं कि जिसमें से एक ने ये किया, एक बहुत बड़ा आलिम था उस जमाने में, जो बहुत बड़े आलिम मरले थे, उन्होंने ख्वाब में देखा इस सैयदा अपने दो बच्चों को तशरीफ लाई है और कह रही है इन दोनों को तालीम दो। मैंने उठा, मैंने बोला मैं कहाँ सैयदा, आपके बच्चे कहाँ, मेरी क्या हैसियत है? कहा सुबह मैंने देखा कि एक सैयदजादी नकाब पोश आई, अपने दो बच्चों को ला रही है, यानी वो सैयदा चाह रही थी दो बच्चों को पढ़ाऊँ। उनमें से एक ने नहजुल बलागा तालीम किया है। किसका हुक्म है, कौन सिखा रहा है, कौन इल्म दे रहा है? और वो नहजुल बलागा मेरी जिंदगी में कहा? जिंदाने मोहतरम, मुश्किल सारी यही है अमल पे। हम ऐसा नहीं कि मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत है तो बैठे हुए हैं, मोहब्बत है तो आते हैं, लेकिन मोहब्बत किरदार मांगती है। मोहब्बत किरदार मांगती है। माँ बाप इंसान मोहब्बत करता है, बेटा औलाद के मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तो बेटा अच्छी बात है, ये करो वो करो, नहीं मोहब्बत करता हूँ करूँगा अपनी तो बात पुत्र की मोहब्बत का की फायदा? क्या फायदा इस मोहब्बत का कि जो तुम्हारे तुम कोई मेरी अताअत ही नहीं कर रहे, मेरी बात ही नहीं सुन रहे, तो ये छोटी सी जो नाता है ये टूटता है जिंदगी में इंसान। बच्चे से आप कहें मैं बेटा आपसे मोहब्बत करता हूँ तो बेटा फरमाइश कर ले कोई तो बस बल में नहीं पूरी हूँ, अगर जाए तो ना जाए तो वैसे ही करनी चाहिए। शोहर और बीवी आपस में बोले एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं लेकिन कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मोहब्बत जाए तो आप क्या कहेंगे? दुनिया की डेफिनेशन में क्या कहेंगे? ये झूठ है, सिर्फ लफाजी है, मोहब्बत नहीं है। अब यहां पे जो अताअत का हुक्म है कि तुम अताअत करो, खुदा कह रहा है कि तुम अताअत करो, खुदा कह रहा है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे मोहब्बत करते हो तो इनकी अताअत करो, इनकी अताअत करो। अब अताअत क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज है, सादी सी चीज है, जिसके लिए मोहम्मद करवा आए थे वो अताअत थी। अगर आज भी माशरा वैसे ही है खुदा का खासा तो फिर इमाम हुसैन इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। अब समझ में आया आपको कि वो निज़ाम के मुकाबले में निज़ाम आया, सिस्टम के मुकाबले में सिस्टम आया, उस पूरे सिस्टम को वो जो छूट गया था
कितना छुपा कि रोजे जमीर में अंदर आ गया था तो उसे बाहर निकाला, फिर भी छुपा, इतना शदीद छुपा कि वो मेंबर रसूल पे आ गया। इतना मेहनत की शैतान ने कि ऐसे निजाम को कि जो अंबिया के मुकाबले में आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर लाया, अंदर लाकर उसको ऐसी शक्ल बनाई कि मेंबर रसूल पे आ गया। और इतनी मेहनत थी कि पूरी उम्मत सो रही महफिल, पूरी उम्मत यानी मुसलमान नहीं थे, अगर उन्हें नहीं पता था कौन बैठ गया, क्यों नहीं बोल रहे थे, क्यों नहीं कुछ किया, ऐसा सिस्टम किया कि पहले तुम सबको खामोश करो, लोगों को खरीदो, बेचो, इनके नफ्स बेचो, जुल्म सितम करो, हराम आम करो, हराम जब आम हो जाएगा, हराम लुकमा जब खाएंगे तो क्या हलाल पे काम करेंगे, सिस्टम ऐसा किया। अब अगर ये सिस्टम रहता तो इस्लाम खत्म हो जाता, सिर्फ इस्लाम नहीं 1,24,000 की मेहनत खत्म हो जाती है। अब क्या करें, इतनी बड़ी स्ट्रैटेजी के मुकाबले में कौन आया, इमाम अपने चंद लोगों को लेकर करबला पहुंचा, करबला पहुंचा, आप करबला को हादसा ना समझे, हालांकि बात ज्यादा समझे पाई, इन्होंने इमाम को करबला नहीं बुलाया, इमाम ने इन्हें करबला बुलाया है। अगर वैध नहीं करते गर्दन अलग कर दो, फिर मक्का में एहराम में तलवारें लेकर आ जाओ, वहीं मार दो ताकि किसी को पता ना चले, तुम्हारे इमाम था अल्लाह का वली, करबला को डिजाइन किया, इतनी मेहनत की उस इब्लीस ने कि यजीद जैसा लईन शख्स मिंबर रसूल पर आ गया, कौम सो गई, काफिल हो गई है कौम, सब पे बड़े बड़े नाम खामोश, यहां अल्लाह के वली ने करबला को डिजाइन किया, जमीन पे पहुंचा, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, जब नाम आते रहे वहां कर को बला, कहा ये मकान, कहा खरीदो, क्यों, इमाम अपनी जमीन पर बुला कर मारना चाहता था यजीद को, कि कोई ये ना कहे कि हमारी जमीन पे आकर इमाम ने, नहीं अपनी जमीन पे, वैसे तो इमाम का कायनात इमाम की थी, फिर भी खरीदी करबला डिजाइन की, तो आप जितना बड़ा लश्कर ला सकते हो ले आओ, लाए यजीद के चेहरे से नकाब उतारने के लिए सिर्फ 6 महीने का बच्चा था, 6 महीने का बच्चा यजीद के चेहरे से नकाब खींच दिखा दिया दुनिया तक कि यह है यजीदियत का निजाम जो बच्चे को भी पानी नहीं मिला। ये इमाम ने करबला बुलाया है और ऐसी करबला बनाई कि कयामत तक अब जब भी ये निजाम खड़ा होगा तो हुसैनियत का निजाम सामने आ जाएगा। यही वजह है कि आज आप देख रहे कि जरा सी किसी ने कोशिश की ना यजीद की हिमायत की, कितने छिटवल पड़े हैं, दाएं बाएं बाएं दाएं हर तरफ से, अहले सुन्नत ने खुद इतने मारे कि मारने की जरूरत नहीं थी, बता दिया, यानी ये है गली गली पूछा पूछा मजलिस मातम अदादारी करने का सबक, ताकि दुनिया को बताते रहो यजीद लईन है, ये छोटी सी चीज थी, ये तो कोई मसला नहीं है, असल जो निजाम है इस वक्त
दुनिया में अल्लाह के मुकाबले में आ रहा है उस निजाम के लिए हमारा वजीफा हो रहा है। ये है मसल का मतलब। इमाम ने करबला में आके बताया जो अपने वक्त के इमाम को पहचानने का कोई काम नहीं। आज फिर कोई दीवानियत और जजीबियत का निजाम पूरी दुनिया में हाकिम है। वही जो उसने किया था आराम कर दो, बेपर्दा कर दो, बेहया कर दो, नशे आम कर दो, फासिक फाजिर करप्शन सब उसका निजाम आज पूरी दुनिया में निजाम आ गया। और वही निजाम आज पूरी दुनिया के अंदर सारे मुल्कों में पेनिट्रेट कर रहा है। आज आप हर मुल्कों में अक्सर मुल्कों में उठा के देखते हैं, चाहे वो मुल्क के अपने लोग हैं लेकिन सब करप्ट हैं। क्यों? निज़ाम पीछे से शुरू हुआ है। टीवी मीडिया के जरिए से आज हम देखते हैं, सोशल मीडिया सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये बेहयाई बुराई सब फैला रहे हैं। आज हमारे जवान बच्चे बच्चियाँ अपनी तन्हाई में क्या कर रहे हैं, अपनी खलबत में क्या कर रहे हैं? कौन है? अब कोई आपको घर में घुस के नहीं मारेगा, अब आपके नफ्सों को मारेगा। यही तो यजीद का काम था कि सबको सुला दो, काफिर कर दो, कोई कदम ना उठा सके इमाम के लिए। क्यों हजरत मुस्लिम अकेले रह गए? इतने हजारों लोग थे जोहर की नमाज में, मगरब में कितने लोग थे हजरत मुस्लिम के साथ? क्यों? उसकी तलवारों को सोनों से खरीदा, कुछ के घरों को खरीदा, कुछ की औरतों को खरीदा, कुछ को जान माल का खौफ देकर खरीदा, सब भी गए। आज क्या हो रहा है? आज वो कैसे अल्लाह के निजाम के मुकाबले में आएगा? आज एक जवान बच्चे क्या आज हर बच्चे के हाथ में हुआ है, सबके हाथ में हुआ है, देख क्या रहा है, कर क्या रहा है? ना माँ बाप को पता कि रात को बेटा क्या करता है, बेटी क्या करती है। इतना फ्री में इंटरनेट, फ्री डाउनलोड, क्या डाउनलोड हो रहा है, क्या अपलोड हो रहा है, कितना हम लोग ठीक है। औरत चल रहा है आप मोबाइल सुन रहे हैं, थोड़े बहुत मेले से सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है और वो कितना सिस्टमेटिक है। जब आप मुझसे सुनाओ सुन रहे होते हैं तो वो एक वीडियो अपनी मर्जी की लाता है आपके लिस्ट में, फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं छोड़ो, मगर वो भरोसों से करता है। एक टच करने में क्या है, एक बोलने में क्या है। अब आप जब एक दफा उसकी वादी में जाते हैं तो फिर आपको नहीं पता चलता कि वो आपके नफ्स का खून कर चुका होगा। एक निगाह ना महरम इंसान को सदियों के फासले पर देख लेते, 100 साल पीछे फेंक देती है एक निगाह। छठा इमाम कहता है कि ये निगाह जो हराम होती है ये एक निगाह, छठा इमाम कहता है शैतान का तीर है जो तुम्हारी रूह पे पैमश होता है। आजम खुद अपने आप को लेकिन कोई किसी को कह नहीं सकता था। अरे तो अल्लाह के शाहूरी ने अपनी किताब तजरतिया में एक वाक़ बयान किया एक जवान का, उसका नाम है यूसुफ फिसर हुसैन। किसी दूर किसी देहात में किसी कबीले में जाकर नौकरी करने लगा, मजदूरी करने लगा, जानवरों को चराता था। वहाँ जो कबीले का था उसने उसको एक जगह दे दी, एक खेमा दे दिया। एक रात को उस खेमे में उस कबीले के सरदार की बेटी आ गई। वो जैसी आई तो सिमट गए, ये थोड़ा पीछे हटा, कहा कि जब से तुम यहाँ आए हो तुम जो खूबसूरत जवान मेरी निगाह तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। खौफ से इसके बदन से पसीने बहने लगे। जब वो और करीब आई ये वहाँ से भागा और ऐसा भागा किसी मुड़ के नहीं देखा। भागते भागते जंगल में जब ये हाथ काम गया उसने रुका, देखा कि दूर दूर तक अब कोई नहीं है। ऐसे में इसने देखा कि अचानक से कोई सब्ज रंग का नूर आ रहा है, कुछ लोग तशरीफ लाए। तो उसने देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा आओ तुम भी हमारे साथ आओ। वो मलाइका जो इसे लेकर आए
और एक तख्त पर कोई बैठा हुआ है, खूबसूरत जवान सिपाही कौन है? कहा हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ ने जवान को बुलाया और अपने पास बैठाया और कहा कि हजरत यूसुफ ने क्या किया था कि जब जुलैखा ने सात दरवाजे बंद यूसुफ को बुलाया और कहा कि मेरी तरफ मुतवज्जे हो, हजरत यूसुफ ने ये नहीं कहा था कि आप या आपका शौहर क्या सोचेगा, सिर्फ खुदा परवरदिगार तू ही मेरी मदद कर सकता है। तो कहा बोल जाओ सारे दरवाजे, कहा तुमने भी वही काम किया है उस महान पुरुष को पहुंचाया। आजादार के मोहतरम जवानों तेरे अजीजों अपने आप को कीमती समझो, अपने नफ्स की कीमत को पहचानो। अगर तुम नहीं तैयार हो पाए तो इमाम कहाँ आएगा? कैसे क्यों नहीं पहुंचे लोग करबला? कितना बड़ा मारका था, छोटा मारका नहीं था कि इमाम जो है वो हजरत अली अकबर जैसे जवान को लाए, शबीय पैगंबर है। इमाम ऐसे नहीं लेकर आए अपने साथ इतने साहबियों को, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ कायनात इंतजार कर रही है 313 का। ये 313 कौन है? ये कैसे होगा? अगर आज मैं अपनी जिंदगी में मशगूल हूँ, अपनी जिंदगी में फंसा हुआ हूँ, खुदा ने तो दुनिया बनाई इसलिए है इस रंज और मुसीबत को पहचान कर मैं उस तक पहुंचू। अब आप बोले कि जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं हो, कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो, हो ही नहीं सकता। दुनिया दुनोब से है, दुनोब यानी पस्ती यानी मुश्किलात है। दुनिया से मुश्किलात को खुदा किया ही नहीं जा सकता, मगर ये मुश्किलात है इसलिए ताकि खुदा हमें आजमाए हम में से बेहतर अमल किसका है। और इसी दुनिया ही से हम कमाल पे पहुंचेंगे, इसी दुनिया में हमें बचाने के लिए। सख्त है, आसान नहीं है। उस शैतान ने जो निजाम बनाया आज हमारे घरों में घुसा हुआ, आज हमारी बहनें माएँ इशारे जो टीवी चैनल की ड्रामे देखती है, मोहरम में तो गैर नहीं देख रही होगी लेकिन शायद देख भी रही हो, भरोसा नहीं होता क्योंकि अब ये सब जो देख रहे हैं इनमें क्या है? बेहयाई, बुराई, हराम ताल्लुकात, तलाक को तलाक कितना तेजी से ड्रामों के अंदर एक कि कई लोगों के साथ ताल्लुकात होना, ये इस्लाम है या यजीदियत है? यजीदियत नहीं है। चोरी, रिश्वत, ये सब तालीम दी जा रही है ना। और औरत को बेटा बाहर निकलो, बाहर निकलो, आज़ादी हो गई है। आज तो औरत आज़ाद है, पढ़ा लिखा तबका है। इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम तालीम से मना नहीं करता, इस्लाम काम से मना नहीं करता, लेकिन हुदूद इलाही में रहते हुए इस्लाम किसी से मना नहीं करता, लेकिन जहाँ हुदूद इलाही तोड़े आप खुदा के मुकाबले में आ गए। बेटा बाल नजर नहीं आने चाहिए, बाल पूरी नजर आने चाहिए, इसलिए नहीं कि मतलब आपकी खूबसूरती कम हो जाएगी, नहीं। खुदा खालिक है, खुदा जानता था इस हीरे को मेरे चादर में रखना है। सूरह नूर के अंदर क्या कहा कि रसूल अपनी औरतों को चादर दे। अब हम इजाब है जैसा इजाब है, अब ये जो बाल नजर आए जरा से खूबसूरती नहीं, अगर कोई नाना है इसको अलग बात है, लेकिन जब कोई पहचान जाए तो बेटा ये जन्नत की आग है जो नजर आ रही है, खुद भी जानों में जाता है, दूसरे को भी जानों में। इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करने होता है मर्द का है। अगर मर्द गैरतमंद है ना तो उसकी बीवी उसकी बेटी हिजाब करती है। मर्द की गैरत खत्म हो गई आज, क्यों? क्योंकि खुद बाहर लज्जत लेता है, खुद दूसरों को देखता है, तो किस तरह वो जब खुद माँ बाप या किसी की बहन बेटी की तरफ इंसान की निगाह उठे तो कैसे वो अपनी बहन बेटी को और अपनी बीवी को चादर बनाए? बहुत सख्त बात है, लेकिन बात यही है
हकीकत है, जब मेरी अपनी तरबियत नहीं है तो मैं कैसे अपनी बच्ची को समझाऊं। और यहां जबरदस्ती से नहीं होता कि आप जबरदस्ती करें डंडा उठाए, नहीं, आपकी तरबियत ऐसी हो कि बच्ची अगर अपने महरम के आगे भी आए तो हिजाब में आ रही हो। और वो कैसे होगा कि जब वो अपनी माँ को बचपन से देखती है कि ये जैसे ही कोई मेरा चचा आता है, मेरा कोई रिश्तेदार आता है तो मेरी माँ सर को ढांप लेती है, ये छोटी सी देखती है, ये जब देखती है कि नमाज का वक्त आता है मेरी माँ मुसल्ले पे खड़ी होती है, ये भी चादर ओढ़कर सजदों में बैठी रहती है। ये सीरत के रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु रसूल तशरीफ लाए नाबीना के साथ, बीबी ने कहा बाबा एक मिनट, कहा क्यों, कहा बाबा चादर ओढ़ दो, कहा बेटी नाबीना है देख नहीं सकता, कहा बाबा वो नहीं देख सकता मैं तो देख सकती हूँ। यानी जितना आप अपने आप को ना महरम से बचाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर दो ना महरम हो तीसरा शैतान होता है, चाहे आप चैट पे हो अब वो नहीं रहा, अब आप कहाँ ना महरम से पता मिलता, अब तो आप चैटिंग करते हैं, अब तो आप मैसेज चलाते हैं, अब दो ना महरम जब आपस में बातें कर रहे हैं तीसरा शैतान है। धोखे में मत रहिएगा कि भाई चैट कर रहे हो तो मसला नहीं होगा, नहीं, काम है कितनी देर काम है, सारी रात काम होता है, और ये जो काम कर रहे हैं कि माँ बाप को पता है ये बात कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, अपने आप को, अपने घर बर्बाद हो गए। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, शादीशुदा घर बर्बाद हो गए हैं, मर्द वर्चुअल जिंदगी में जिंदा है और अपने घर वालों को इग्नोर कर रहा, बीवी भी ऐसी है, वो भी इधर उधर फोन, कितना वक्त हम अपने औलाद को देते हैं, इसे जिम्मेदारी नहीं है, इमाम को क्या देंगे हम, ये नेमत है, खुदा कहता है तुम्हें नेमत दी थी, नेमत का सवाल करूंगा, ये नेमत है, हम इन बच्चों को बचाएं, ठीक है और मुश्किल है स्कूल अभी खुल नहीं रहे हैं ऑनलाइन है, लेकिन आप बैलेंस को रखें अपने घर को, आप अपने बच्चों को जब तक आपके अख्तियार में आप समझा तो सकते हैं। अब इस हालत में अगर कौन की ये हालत हो कौन की, तो कौन इस हालत को बदलेगा, पहली बात इस मेंबर के अलावा, और अगर ये मेंबर आपको इधर उधर की बातों में लगाए रखे जिसको हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, उसे दुश्मन को बताओ कि दुश्मन कौन है तुम्हारा, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मोमिनों के फिरके बने हुए हैं, आपस में लड़ते हैं, अहले सुन्नत से भी हम लड़ रहे हैं, किस बात का, कौन लड़वा रहा है, इसका मतलब है कि कोई है जो ये चाहता ही नहीं कि कौम, ये मुसलमान, ये मुल्क इमाम जमाना के लिए तैयार हो, ये इमाम से दूरी है, वो जो निजाम के मुकाबले में निजाम आया, इमाम के मुकाबले में जज़ीदियत का आज भी पूरा निजाम सामने है, आज इमाम का निजाम कहां है मगर इमाम नहीं है आज, तो क्या हम इमाम के साथ हैं, आज इमाम को क्या जरूरत है हमारी, किस फील्ड में इमाम को हमारी जरूरत है, क्या हमारी एजुकेशन, क्या हमारी तालीम अच्छी है, क्या हम प्रोफेशनल पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी कौम को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या हमारे बच्चे बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, क्या हम कोई अच्छा काम, अच्छा सेटअप, आईटी, अकाउंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिटी डेवलपमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयर मैनेजमेंट, कितने नए उलूम जो आने वाले वक्त में जरूरत होंगे, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, मैथमेटिशियन हो, कितने हमारे लोग हैं जिनके पास मैथ्स गोल्ड मेडल है, कितने हमारे पास जिनके पास फिजिक्स का गोल्ड मेडल है, ये बाबे दीन की कौम को कहां लेके गए हम लोग, उतने साल हम उनको कहां ले आए कि चोर आकर यहां पर बातें करके चले जाते हैं,
और आप फिर कहते हैं कि भाई वो तो मौला का जाकिर है, भाई मौला की तरह तो लाइक ही रहा है जाकिर। मेरी जिंदगी के कुछ मसाइल हल हो गए,
इमाम की ताप कितनी है। मैंने कभी इमाम की ज्यारत के लिए दसवीं पढ़ी तो इमाम को हदिया दिया, बहुत बड़े आले वकील ने बताया। वो कहते हैं कि मैं जैसे ही कासमैन पहुंचा, मेरा बड़ा दिल था कि मैं कुछ मुझे ऐसा मिले या इमाम मिले या इमाम के लिए। तो मैं ज्यारत करके बाहर निकला तो बहुत बड़े आले वकील बैठे हुए थे रवाक में, तो मैं ऐसे बैठा। उन्होंने कहा मेरा आखिरी दिन है, मैंने कहा मेरा पहला दिन है। तो ज्यारत पे बातें हुई, कहा मैं कुछ और पूछ रहा था, वो कुछ और जवाब दे रहे थे। उन्होंने बोला ये पढ़ा करो, ये पढ़ा करो, और कहा पांच कुरान की आयतें पढ़कर इमाम ज़माना को हदिया किया करो। इतना आसान काम है, पांच कुरान की आयतें कितनी देर लगती है कितने? हमारे पास इतना टाइम है अल्लाह की, एक तो अल्लाह की कलाम है और वो भी इमाम के लिए। आप बड़े हदिया दे, जब आप इमाम को हदिया देंगे आप इमाम को जब हदिया देंगे तो इमाम भी तो आपको हदिया देंगे या नहीं देंगे? तो हम इमाम को हदिया देते हैं। अल्लाह ने बोलता है इमाम कहाँ आए, इसका मतलब ये है कि हम भी इमाम को करबला बुला रहे हैं और अपने घरों में बैठे हुए ऐसे ही। अभी जो मारका होना है ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा मारका है जो ज़हूर पे होगा, और बड़ा मारका है। यहाँ पूरी दुनिया की ताकतें जमा हो रही हैं, जमा हो चुकी हैं, पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया का असलाह, सब कुछ एक तरफ, और यहाँ एक इमाम होगा, और जो आज इमाम के लिए तैयार है वो इमाम के साथ। आज हमारे यहाँ बड़े आराम से जो है वो हमारे यहाँ कुछ लोग आराम से हम लोग अपने महाराजे इकराम को बोला बड़ा कह देते हैं। महाराजों को जो हमारे बड़े उलमा है उनको बड़े आराम से बोला बड़ा कह देते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रखें, मुझे ये बता दें खाली इस वक्त दुनिया का कौन सा निज़ाम इमाम के साथ है? कौन है आपके मोहल्ले गली का कोई बंदा है या कोई पुरानी जगह? मैं नाम नहीं लेता, कुछ लोग बातों का मिसाल के तौर पर लोग बुरा मान जाते हैं। नहीं, कौन है जो इमाम के लिए काम कर रहा है, जिसे दुनिया की ताकतों का खौफ? कौन है इन महाराजों के अलावा, इस निज़ाम के अलावा जो महाराजे इकराम आपको सिस्टम दे रहे हैं? और हमारे यहाँ बड़े आराम से कोई आता है और इनको बड़ा बड़ा कह चला है, आप बैठे सुन रहे होते, आपको पता नहीं है आप इमाम के निज़ाम के मुखाले वाले को बोलने देते हैं? आप तसव्वुर नहीं कर रहे कि आप क्या कर रहे हैं। दुनिया का एक ही निज़ाम है जो इमाम ज़माने के लिए काम कर रहा है, तैयार कर रहा है, न सिर्फ बातों से, सिस्टम से, असलहे से, एजुकेशन से, पूरे निज़ाम से वो इमाम के लिए तैयारी कर रहा है। इतना तैयार है हवाओं में उनके निज़ाम को हाईजेक कर लेता है, परेशान है वो लोग। और हमारे कोई आता है ऐसे ही, ना कहीं का पड़ाव होता है, ना कहीं का कुछ होता है, बस आ करके हम हमें समझ नहीं आ रहा हम इमाम के ज़हूर में ताफीर कर रहे हैं। इसमें कोई जज्बात वाली बात नहीं है, ये अकली बात है कि कैसे हो सकता है कि मेंबर रसूल का आकर अली के जो आज के नौकर हैं उनके खिलाफ कोई बात करे। इसका मतलब जो खिलाफ बात कर रहा है ये दूसरे निजाम का है। ये याद रखिएगा, जो इस निजाम के मुकाबले में बात करे, चाहे वो जितना बड़ा क्यों ना हो, जो भी हो, वो दूसरे निजाम से पैसे ले रहा है। और अगर आज से कोई कहे भाई आप इस निजाम से पैसे लेते हो, तो भाई हमारा सलाम हो, हम इमाम के निजाम से चल रहे हैं। से नहीं कुछ ले रहे हैं,
अव्वल तो है हमें ये सिखाया गया है इमाम से लोग नहीं इमाम को तो कब तक लोगे। अब करबला कह रही है आओ आओ जो तुम्हारे पास है तो इमाम कब तक मानते मानते रहोगे कि मौला ये दे दे मौला वो दे दे मौला ने तो देना है तुम कब दोगे मौला को तुम तो तुमने जो बेटे मांगे मौला से तुमने अली अजहर का सदका देकर अली अजहर के नाम पर बच्चे मांगे अब्बास के नाम पर बाजू मांगे शिफा मांगी अब तैयार हो अब देने का वक्त आ गया है। वो जो बच्चे मांगे थे ना अब इमाम जमाना को दो अब जो घर मांगे थे इमाम जमाना को दो अब जो जिंदगी मांगी थी इमाम जमाना को दो वक्त आ गया है जिदाने मोहतरम कब तक हम काफिर रहेंगे अपनी जिंदगी में बस मैं इससे ज्यादा आपको रात भी और ये खुद इमाम मदद करते हैं बस ये खुद चाहते हैं जब वो खुद चाहे जो वो चाहते हैं अगर हम वैसे रहे तो ये उनकी मर्जी है आपके खिलाफ कोई कितना ही प्रोपेगेंडा कर ले वो आपकी बात को लोगों के दिलों में उतार देते हैं क्यों हवा उनके कब्जे में है इमाम कायनात का इमाम इमाम आलम का नूर है जिससे पूरा आलम रोशन है अगर कोई अपने वजूद से बाहर निकलेगा तो उसे पता चलेगा कि इमाम कहाँ है ऐसे इमाम नहीं होता शख्स कहता है मैं पहुंचा आले नबी पे बशर मुकद्दस इतनी बड़ा करम है और आप सबको ज्यारत नसीब कर रहा है वहां पहुंचा मैंने देखा कि लाखों में लोग हैं लाखों में लोग इमाम की ज्यारत में आते हैं और हर शख्स कोई दरवाजे पर कोई सहन पर कोई सड़क किनारे जहां भी उसे जब वो गुंबद नजर आता है ये दरवाजा नजर आता है ये सड़क नजर आती है कौन इमाम को सलाम कर रहा है इमाम को अब इन्होंने कहा कि इमाम इतने सारे लोगों को जवाब कैसे देते हैं कैसे देते होंगे तो अचानक से पता था देखा हर जायर के बराबर में इमाम मौजूद यानी हर शख्स के लिए हर शख्स के लिए इसीलिए जब हम इसलिए दुखूल पढ़ते हैं कहते हैं कि बस मामूना अगर आप जैस मामूना आप हमारे कलाम को सुनते हैं व्यवना मकाम आप हमारे मकाम को देख रहे हैं यानी सब पता है हम इमाम को समझे नहीं इमाम खुदा खासा कहीं दूर नहीं है इमाम हमारे करीब है हम इमाम से दूर हैं बस हमने यही कोशिश कर ली अपने कि हम अपनी जिंदगी में इमाम को ले आए हासिल करें और फिर जो जो कर सकता है वो अपनी कोशिश करें हालात को समझे दुश्मन चाहता है फिर कवालियत हो दुश्मन चाहता है अहल सुन्नत के साथ मोमिनों के साथ ये सब दुश्मन के साथ इसको खत्म करें जो मुकद्दसात है उनकी तौहीन नहीं करें इमाम की तारीफ और फजीलत में बयान करें जरूरत नहीं किसी को कुछ कहने की आप सिर्फ इमाम का जिक्र करें कुरान का जिक्र करें तो यही करें जब कुरान पढ़ोगे तो भी इमाम का जिक्र करें जब इमाम का जिक्र करोगे तो भी कुरान इनका जिक्र आपके वजूद परवास दे सकता है बस अल्लाह के मोहतरम यही जिक्र था जिसे आशूरा इमाम ने अपने वजूद से किया और दूसरों ने पीर खा खा कर अपने वजूद से जिक्र को पकड़ा और ये जिक्र चलता खत्म नहीं असीर हो गए बीमार हो गए मगर जिक्र चलता गली गली ऊंचा ऊंचा बाजार बाजार ये नेजों पे सर जिक्र करते हैं गोसे आशूरा बड़ा सख्त है लेकिन हर हाल जितने भी शहीद थे असर आशूर तक शहीद सख्त उनके लिए ज्यादा था जो सुबह से देख रहे थे और उस देखने वालों में एक छोटी बच्ची भी है एक छोटी
जो सुबह से देख रही है कि जो जा रहा है वो वापस नहीं आएगा। हजरत अली अकबर जब खेमों से निकलने लगे, खेमे का पर्दा हटा, निशान हजरत जवानी साहब हुआ करते थे कि कई दफा खेमे की चादर हटी, फिर गिर गई, फिर हटी, फिर गिर गई। क्या देखा, एक बच्ची है जो अली अकबर को जाने नहीं देती। बच्ची देख रही है मौला मोहम्मद के बदन आए, भाई कासिम भी आए, न जाने किस तरह चचा अब्बास को भेजा मगर वो ना आए। छोटा भाई गया पानी लेने, ना आया। हो सकता है बच्ची ने सोचा होगा कि अब कभी पानी नहीं मांगूंगी। हाँ, लगा बेटियाँ जो होती है ना, खासकर जो छोटी बेटी जिसकी हो, वो शायद दर्द कोई महसूस नहीं कर सकता जो इमाम का था, लेकिन बच्ची तो महसूस कर सकता है। जिसकी छोटी बच्ची होती है ना, 3-4 साल की, बच्ची जानती है जब बाप घर से निकलता है तो बच्ची टांगों में लिपटती है, बाबा बाबा कब आएंगे। और जिस बच्ची को ये पता हो कि अब बाबा गए वापस नहीं आएंगे, उसकी तकलीफ है। मगर क्या हुआ, रोजे आशूरा, मैं मसायब नहीं पढ़ूंगा, ज्यादा आप सुनते रहते। रोजे आशूरा, जब एक बाप का बदन गिर गया तो ये बच्ची बाप के जनाजे पे पहुंची है। बेटियों को बाप के जनाजे से प्यार से हटाया था, मगर ऐसे तमाचों से जैसे काजियानों से हटाया। ये बच्ची जो है ना, इसकी अपनी दादी के साथ मुमासलत है। वहां मदीना में जलता हुआ दरवाजा गिरा, यहां दामन में आग लगी, वहां भी तमाचा लगा, यहां भी तमाचे लगा। जब पानी पिया करे तो बच्ची को याद किया करे, क्यों, क्योंकि जब ये बच्ची पानी मांगती थी ना रास्ते में, तो ये पानी सामने गिरा देते थे। इसीलिए तो इमाम ने कहा कि बेटा जब भी मेरे शिया पानी दिए तो कहना मेरी प्यास को याद जो पानी था अंधेरा सर बुरीदा लाशें दिखाई। जब वहां जाके ढूंढा तो देखा बच्ची एक सर बुरीदा बदन पे सो रही है। बेटी थी ना, सीने पे सोने की आदत थी, अपनी छोटी बच्चियों को सीने पे सोलाए ना, तो याद किया अगर हुसैन की बेटी। हाँ, सीने पे सोने की आदत थी ना, सो रही थी सकीना, सो लो आज आखिरी रात, फिर ये सीना नहीं मिलेगा, फिर तपते हुए रेतों पे सोना पड़ेगा सकीना, आज सो लो। बीबी ने जाकर बच्ची को उठाया, बेटी ने क्या कर रखा, कहा अंधेरे में सर भी मौजूद नहीं, आपको कैसे पता चला ये बाबा का। कहा मैं अंधेरे में कह रही थी बाबा बाबा बाबा, तो हाथ बुलंद हुए इलैया इलैया। हाँ दादा, ये बच्ची जो रात को बाप के सीने पे सोई, क्या कारण को जब इस कारवां को उधारा गया उस बदन की हालत ऐसी थी, मेरा इमाम सज्जाद की चेहरे का रंग बदल गया जब बाबा को हालत में देखा ना, क्या हालत है।
कोई निशानी नहीं है, सर बोरीदा है, कर्बला की खाक कटी हुई है, बदन पर लिबास भी नहीं, अंगूठी और उंगली भी नहीं। बीवी ने अपने आप को गिरा दिया और वो बच्ची जो रात को सीने पे सोई थी वो क्या कहती है, कहती है भूखी जान ये किसका बदन है। अल्लाह, यानी वो हालत इमाम के बदन की कि जिसे तीन दिन बाद इमाम सज्जाद ने उठा कर दफनाया नहीं है, समेट कर क्या किया हाल जहरा के लाल जिसे चकिया पीस कर पाला। हाँ दादा, अब ये बच्ची रास्ते में हाथों में रस्सियां।